हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बोल में आधा कप दही ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून चीनी, एक टेबल स्पून नमक ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है रिफाइंड ऑयल लिया है विदाउट फ्लेवर। और अभी यहाँ पे मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। और 2 कप यानी 2 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, तो आप कप के हिसाब से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके इसको एक स्मूथ डो बना लेंगे। ज़्यादा मुलायम डो नहीं बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। देखिए, आप बनाएंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा चिपकेगा, लेकिन धीरे धीरे गूंथते ये मुलायम होने लगेगा। तो देखिए, मैं इसको टक कर लेती हूँ। अब इसको आप 1.5 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 घंटे बाद देखा है, तो इसके हम 2 लोइयाँ यानी मैं 2 पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 2 लोइयाँ बना लेती हूँ। ऐसे आपको टक करके इसको पहले तो उंगलियों की सहायता से बढ़ा लीजिए। उसके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है और मैं इसको गोल आकार में बेल लूँगी। तो देखिए, ज़्यादा इसको पतला मत बेलिए, जैसे आपको अगर थिन पिज़्ज़ा खाना है उसी हिसाब से, या फिर आपको थिक पिज़्ज़ा खाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको प्रिक कर दीजिए, जिससे ये पिज़्ज़ा जो है इसका जो बेस फूले ना। तो अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ले रही हूँ, तो लगभग 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ले लीजिए और इसको स्प्रेड कर दीजिए। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ, यहाँ पे चेडर चीज़ और मेज़राली चीज़ दोनों होता है। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें ऐड किया है। यहाँ पे कुछ मैंने सब्ज़ियाँ कट की हैं, यानी कैप्सिकम है, ऑनियन है और टोमेटो है। आप कुछ भी और भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर क्यूब्स भी यूज़ किया है और कुछ कॉर्न्स भी यूज़ किए हैं। तो और ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड की है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो ऐड कर देंगे, जिससे पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल दुकान जैसा बनेगा। तो मैं अब इसको ओवन में रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको लगभग 30 मिनट के लिए पिज़्ज़ा मोड पे मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद हमने देखा तो ये पक चुका था। अब मैं इसको एक अलग प्लेट में निकालूंगी और अब हम इसको कट करके देखते हैं। इसका बेस पूरी तरीके से पक चुका है और बहुत ही टेस्टी, क्रीमी लग रहा है, चीज़ी लग रहा है। तो देखिए, मैंने इसको कट किया है तो बहुत ही चीज़ी है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लीजिए, पिज़्ज़ा तैयार है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।